राज्यसभा उपनिर्वाचन प्रकाश पाइला विधिवत विज्ञप्ति विधानसभा पक्षर प्रकाश पाइला विधिवत विज्ञप्ति आज जून 2 जाए हेबो नामांकन जून 3 तारिखर हेबो जांच आसंता 13 तारिखर सकाळ 9टारु अपराह्न 4टा पर्यंत चलो भोट ग्रहण सुभाष सिंह इस्तफा देवा पर हेउछि उपनिर्वाचन एजाए 5 सेट नामांकन निया जनापड़ी। अधिक सूचना पर आम सहित जोड़ी होती सीनियर रिपोर्टर चिन्मय महापात्र। चिन्मय, राज्यसभा उपनिर्वाचन विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई संपर्क में अधिक सूचना जाना चाहिए। देखो विजयलक्ष्मी मैंने जानते हैं विधानसभा सचिवालय पक्षर जो कि कटक मेयर भाव में जो सुभाष सिंह निर्वाचित हेले तापर पर आसन टी खाली पड़ा और से आसन निर्वाचन हवाक जा 13 तारीख दिन जो कि आज विधिवत विज्ञप्ति विधानसभा पक्ष प्रकाश कर जो थी जी आज नामांकन प्रक्रिया जारी रु तारीख पर्यटन तो 3 तारीख दिन जांच कर प्रार्थीपत्र प्रत्याहार 6 तारीख रखी जदि कौन व्यक्ति प्रतिद्वंदिता करती 13 तारीख दिन निर्वाचन हो निजुक्ति राज्य निर्वाचन मुख्य अधिकारी पर्यवेक्षक रही विधानसभा 54 नंबर प्रकोष्ठ में स्वतंत्र व्यवस्था कर पूर्व आप जानते हैं जो राज्यसभा तीनो आसन खाली पड़ी जोटा कि 24 तारीख दिन से नहीं कि विज्ञप्ति प्रकाश होता 31 तारीख पर्यंत नामांकन प्रक्रिया जारी रही देखिए 21 तारीख पर्यंत नामांकन प्रक्रिया जारी रही दिन 11टा पर्यंत जो मैंने चाहिए लड़ाई से विधानसभा कक्ष जो रही नहीं कि दाखल करें ये प्रक्रिया जी देखिए प्राय पाखापाखी 3 तारीख पर्यंत चलो नामांक जांच करापर तार प्रक्रिया रही यदि किए प्रतिद्वंदिता करती 10 तारीख दिन से नहीं कि निर्वाचन किंतु जो ओडिशा रे जो देखिए जो 4टी विधानसभा जो राज्यसभा आसन जो खाली पड़ी राज्यसभा आसन संख्या दृष्टिकोण रु बीजेडी सब जगह अख्तियार कर तेणु विजु जनता दल पक्ष सुप्रीमो नवीन पटनायक क्या प्रार्थी करापर राज्यवासी नजर रही। ठीक अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय महापात्र आम सहित जोड़ी हुई थे सीनियर रिपोर्टर अधिक सूचना देते। राज्यसभा उपनिर्वाचन प्रकाश पाइला विधिवत विज्ञप्ति विधानसभा पक्ष प्रकाश पाई विधिवत विज्ञप्ति आज जून 2 तारीख जाए नामांकन हो जून 3 तारीख में जांच हो आसंता 13 तारीख में सका 9टू अपराह 4टा पर्यंत चलो भोट ग्रहण।